नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त यश। इस पर्टिकुलर वीडियो में दोस्तों हम विप्रो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं, सर्ट्स एंड इंडाइसेस पर। थोड़ा सा टफ टॉपिक पड़ता है बच्चों के लिए, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूं यदि आपने ये वीडियो लास्ट तक देख ली ना, सर्ट्स एंड इंडाइसेस पर कोई भी क्वेश्चन आ जाए बच्चों आपके विप्रो के एग्जाम में, आप चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। भाई स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन देखिए भाई, मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने वाला हूं इस वीडियो में। क्यों कराने वाला हूं? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। देखिए विप्रो में 2017 में भी पूछा गया था, 2022 में भी पूछा गया था। भाई कमाल की शॉर्ट ट्रिक बनती है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। देखिए भाई, आपको इसकी वैल्यू बतानी थी, अंडर रूट ऑफ 72 प्लस अंडर रूट ऑफ 72 प्लस अंडर रूट ऑफ 72 अप टिल इनफाइनाइट। यानी कि अगर आपको कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए कि रूट के अंदर रूट है, रिलेशन इनके बीच में एडिशन है, इनफाइनाइट तक सीरीज आ रही है और हर बार कॉमन नंबर आ रहा है, तो भाई आप ट्रिक समझिए। देखिए 72 को मुझे दो ऐसे फैक्टर्स में डिवाइड करना है, दो ऐसे फैक्टर्स में, मान लो ए और बी, दो ऐसे फैक्टर्स में डिवाइड करना है सच दैट कि अगर मैं ए इंटू बी करूं तो मेरा वापस से 72 मिल जाए, और अगर मैं ए में से बी माइनस करूं तो मेरा 1 बन जाए। यानी दो ऐसे फैक्टर्स जिनके बीच में डिफरेंस 1 का हो और मल्टीप्लाई करने पे वापस से 72 आ जाए। देखिए ऐसा करने पर जो ए और बी फैक्टर्स आएंगे, इनमें से जो भी फैक्टर बड़ा होगा, ऑब्वियसली ए माइनस बी करने पे पॉजिटिव आंसर आ रहा है, तो ए बड़ा है तो यहाँ पर आपका ए आंसर हो जाने वाला है। विद एग्जाम्पल समझाता हूँ। 72 के सर दो ऐसे फैक्टर्स आप देखिए भाई, मैं इतना जानता हूँ कि 9 × 8 करता हूं मैं तो 72 बन जाता है। अब ये दो फैक्टर्स देखो भाई, a इंटू बी, अगर a को 9 और b को 8 मानूं तो क्या a मल्टीप्लाई बाय b 9 × 8 72 हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। सर क्या a में से b माइनस करने पे 1 आ रहा है? सर बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब हमारा काम चल गया। 9 और 8 में से बड़ा कौन है? 9 है। 9 इज द करेक्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चुटकियों में हमने सॉल्व कर दिया भाई ये। इसका अगर आप ट्रिक भूल जाए तो कन्वेंशनल मेथड क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले फिलहाल जल्दी से अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसका आंसर हमने निकाल लिया है 9 भाई। सेकंड वाले क्वेश्चन का जल्दी से आंसर निकाल लेते हैं। 2 को दो ऐसे फैक्टर्स में ब्रेक करो। देखो भाई कैटेगरी समझ लो दोबारा, रूट के अंदर रूट, इनफाइनाइट सीरीज, बीच में एडिशन आ रहा है और सारे नंबर सेम है, सबके सब 2 है। 2 को ऐसे दो फैक्टर्स में डिवाइड करो जिससे कि अपन इनका मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाए, डिफरेंस करें तो 1 आ जाए। तो भाई क्लियर कट दिख रहा है, 2 × 1 करने पे 2 आता है, राइट, वापस से वो नंबर आ गया, और 2 − 1 करने पे 1 आता है। 2 और 1 वो फैक्टर्स है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, तो बड़ा फैक्टर क्या है? 2 है भाई, 2 हमारा बड़ा फैक्टर है तो 2 ही हमारा आंसर आ गया। ऐसे 12 के लिए करके देखते भाई, 12 के लिए आप ऑब्जर्व करो तो 4 और 3 मिल गए भाई दो फैक्टर, क्योंकि 4 और 3 का मल्टीप्लाई करने पे 12 आ रहा है और डिफरेंस करने पे 1 आ रहा है। भाई जब दो फैक्टर्स मिल गए तो बड़ा वाला फैक्टर कौन सा है? सर 4 है, 4 हमारा आंसर आ गया। ये आपका विद्यार्थी कर्तव्य, इसको सॉल्व करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताइएगा भाई। अगर सर प्लस की जगह माइनस पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे? अब देखते भाई, सेम टू सेम फंडा है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगेन देखो, 2 को दो फैक्टर्स में डिवाइड करना है सच दैट मल्टीप्लाई करने पे वापस ओरिजिनल नंबर आ जाए और माइनस करने पे 1 आ जाए, है ना। पिछली बार हम बड़े वाले फैक्टर को आंसर बना रहे थे, इस बार छोटे वाले फैक्टर को आंसर बना देंगे। छोटा नंबर कौन सा है? 1 है, तो 1 आंसर हो गया। सर 12 को भी मैंने डिवाइड किया था, 12 को मैंने डिवाइड किया था सर 4 × 3 में, राइट, बड़ा वाला 4 था तो 4 इसका आंसर था प्लस के केस में, माइनस के केस में छोटा वाला आंसर आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा अपना। सर सेम 72 के लिए हमने डिवाइड किया था सर 9 × 8, प्लस वाले में बड़ा वाला आंसर था, माइनस वाले में छोटा वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर मेरा 8 निकल के आ जाएगा। अगेन 110 के लिए क्वेश्चन नंबर 8 का भी आप आंसर दीजिएगा भाई, विद्यार्थी कर्तव्य, कमेंट सेक्शन में आप सभी लोगों का आंसर मुझे चाहिए। सर ये निकाला कैसे? अगर इनकेस मैं शॉर्ट ट्रिक भूल जाऊं तो मैं क्या मेथड यूज करूं? एक काम करो, इस पूरी की पूरी इक्वेशन को आप वाई एज्यूम कर लो थोड़ी देर के लिए। सर मैंने वाई एज्यूम कर लिया, अब अगर आप गौर से ऑब्जर्व करो इतने पार्ट को, कितने पार्ट को सर? इतने पार्ट को अगर आप गौर से ऑब्जर्व करो तो क्या ये वापस से y नहीं बन गया? देखो √2 के अंदर √2 इनफाइनाइट सीरीज, ये वापस से y बन गया, तो क्या मैं एक इक्वेशन नहीं लिख सकता हूँ क्या सर? √2 प्लस √ आ गया, 2 प्लस ये पूरा y है, इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? y के बराबर। दोनों साइड एक काम करता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ, तो ये y स्क्वायर हो गया, ये रूट से स्क्वायर कट गया, यानी 2 प्लस y इज इक्वल्स टू y स्क्वायर। इन दोनों को मैं राइट हैंड साइड में ले जाता हूं तो ये मेरा हो गया y स्क्वायर माइनस y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, रूट्स निकाल देते हैं। रूट्स कैसे निकालते हैं? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac / 2ac।
तो यहां पर क्या हो गया माइनस बी, माइनस ऑफ बी की वैल्यू क्या हो गई भाई, है ना, बी की वैल्यू क्या हो गई यहां पर देखो, ये किसका बनता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के रूट्स निकलते हैं ये, तो माइनस ऑफ बी की वैल्यू क्या है यहां पर माइनस वन है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी क्या है माइनस वन का स्क्वायर, माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू क्या है वन है और सी की वैल्यू क्या है सर माइनस टू है, राइट, डिवाइडेड बाय टू इंटू ए की वैल्यू क्या है सर वन है, तो माइनस और माइनस हो गया प्लस वन, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस वन का स्क्वायर हो गया वन, माइनस माइनस हो गया प्लस, फोर इंटू टू हो गया आपका एट अपॉन टू यानी वन, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ नाइन बाय टू यानी रूट नाइन कितना होता है थ्री होता है, वन प्लस माइनस थ्री बाय टू, तो ये हो गया वन प्लस थ्री बाय टू ले लो या वन माइनस थ्री बाय टू ले लो, अब वन माइनस थ्री बाय टू लेंगे तो वन माइनस थ्री इज माइनस टू डिवाइडेड बाय टू इज माइनस वन और ये हो गया फोर बाय टू टू, और कभी भी आपको अगर पता हो तो जो अंडर रूट का रिजल्ट है वो हमेशा पॉजिटिव आता है, अंडर रूट का रिजल्ट कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, तो ये जो वाई की वैल्यू है ये कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती, और वाई ही क्या है रूट्स है तो रूट्स कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे, यहाँ पर पॉजिटिव ही होंगे, यानी वाई की वैल्यू मेरी टू निकल करके आ गई, है ना। अब देखिए कितना कुछ करना पड़ा, बीच में कैलकुलेशन मिस्टेक करने के भी चांसेस थे, एबीसी की गलत वैल्यू रखने के भी चांसेस थे, टाइम कंज्यूमिंग भी है, गलत होने के भी चांसेस थे, देखिए यहाँ पर आपने कितने जल्दी आंसर निकाल दिया था टू देख करके, तो अगर अप्रिशिएट करना है भाई तो जरूर कॉमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करें और लाइक कर दे, लेकिन सर आपकी ट्रिक यहाँ पर फेल हो जाएगी। सर 11 को मैं कैसे डिवाइड करूं, 11 तो एक प्राइम नंबर, अब दो ही रूट बन सकते हैं प्राइम नंबर के, दो ही फैक्टर बन सकते हैं क्या, 1 और 11, अब 11 into 1 करने पे तो मेरा 11 आ रहा है सर, लेकिन 11 minus 1 करने पे 1 नहीं आ रहा, डिफरेंस करने पे 1 आना चाहिए, अब यहां तो ट्रिक फेल हो जाएगी, तो जब भी ट्रिक फेल हो सिंपल सा एक ट्रिक याद रखेंगे क्या, प्लस माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4x डिवाइडेड बाय 2, सिर्फ इतना सा ध्यान रखेंगे क्या, प्लस माइनस वन प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस फोर एक्स बाय टू, ये ट्रिक याद रखेंगे भाई। सर एक्स क्या है, अंदर जो टर्म है वो एक्स निकल करके आ रहा है, पैटर्न वही रहेगा, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट के अंदर अंडर रूट प्लस 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 अप टिल इनफाइनाइट तक सीरीज आएगी भाई, और सेम टर्म्स होना चाहिए, तो एक्स क्या हो गया यहाँ पर सर, एक्स की वैल्यू यहाँ पर अपनी 11 आ गई। सर माइनस रखना है या प्लस, तो अगर बीच में प्लस का साइन है तो प्लस रख देंगे, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस रख देंगे, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस वन लिखेंगे, तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है आगे, क्योंकि यू नो प्लस क्या लगाते हैं भाई, जरूरी नहीं है। वन प्लस अंडर रूट ऑफ फोर इंटू 11 हो गया ये डिवाइडेड बाई टू, यानी वन प्लस अंडर रूट ऑफ 45 डिवाइडेड बाई टू हमारी वैल्यू निकल जाएगी, ये हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। ये ट्रिक सदाबहार है, हर चीज में एप्लीकेबल हो जाएगी, जो अंडर रूट ऑफ टू वाला क्वेश्चन था उसको भी आप कर सकते हो भाई, देखो क्योंकि अंडर रूट ऑफ टू प्लस टू प्लस टू को भी कर सकते हो, देखो क्योंकि भाई बीच में प्लस है इसलिए प्लस वन लूंगा, प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस फोर इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या थी टू थी डिवाइडेड बाई टू, देखो वन प्लस अंडर रूट ऑफ फोर इंटू टू एट प्लस वन नाइन डिवाइडेड बाई टू, वन प्लस रूट नाइन क्या होता है थ्री डिवाइडेड बाई टू दैट इज फोर बाई टू इज इक्वल टू टू, लो यहाँ से भी आंसर निकल करके आ गया। तो अगर फैक्टर हो रहे हैं तो वेरी वेल एंड गुड है भाई, फैक्टर कर दो, नहीं हो रहे हैं तो ये फॉर्मूला लगा करके आंसर निकाल दो, इस मेथड को आपको कभी भी नहीं यूज करना है, गलती होने के चांसेस ज्यादा है, है ना। अगर सर माइनस आ गया, बिल्कुल सिंपल है ना भाई, फॉर्मूला कॉमन याद रखो क्या है भाई, ये वन प्लस फोर एक्स डिवाइडेड बाई टू, अब क्योंकि बीच में माइनस का साइन है 13 के भी दो ऐसे फैक्टर्स नहीं मिल पा रहे क्योंकि अगेन प्राइम नंबर आ गया, क्योंकि बीच में माइनस साइन है तो इस बार हम माइनस वन लेंगे, प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस फोर इंटू एक्स की वैल्यू क्या है भाई 13 है डिवाइडेड बाई टू, भाई 13 इंटू फोर कितना होता है भाई 13 दुनी 26 दुनी 52, 52 प्लस एक हो गया 53, माइनस वन अंडर रूट ऑफ 53 डिवाइडेड बाई टू, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसको थोड़ा और सुंदर लिख दो, अंडर रूट ऑफ 53 माइनस वन बाई टू इज द करेक्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, एक बार देख लेते भाई, वेरीफाई 13 इंटू फोर है ना 13 12 कैरी ओवर 1 52 ही होता है, 52 प्लस 1 53, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर भाई। तो अगेन एक होमवर्क क्वेश्चन देख लीजिए, अगर बीच में 20 आ गया तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन देखो 20 के आप दो ऐसे फैक्टर्स डिवाइड कर सकते हो क्या, दिमाग लगाओ भाई, 20 के दो ऐसे फैक्टर्स डिवाइड कर सकते हैं क्या, सर बताइए भाई 20 के कौन से दो फैक्टर्स हो सकते हैं, सर 5 * 4 20 आ रहा है ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, और 5 - 4 भी मेरा कितना आ गया 1 आ गया, यानी दो फैक्टर्स मिल गए ऐसे,
और बड़ा वाला फैक्टर आंसर होगा क्योंकि प्लस है, यानी कि मेरा आंसर आना चाहिए 5 यहां से, है ना सर। ट्रिक से कैसे, फॉर्मूले से कैसे करेंगे, 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4x बाय 2। सर माइनस 1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि बीच में प्लस था, तो 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 इंटू x की वैल्यू कितनी है, 20 है, डिवाइडेड बाय 2, 20 इंटू 4 80 प्लस 1 हो गया 81, 81 का अंडर रूट होता है 9, तो 1 प्लस 9 बाय 2 आ गया, दैट इज 10 बाय 2। यानी अगेन देखो यहां से भी आंसर मेरा 5 निकल करके आ रहा है भाई। तो मेरे ख्याल से आपको क्लैरिटी मिली होगी भाई। चलिए भाई समझ आ रहा हो, ट्रिक्स में मजा आ रहा है, एफर्ट पसंद आ रहा है, तो सब्सक्राइब का लाल बटन दिख रहा है इसको दबा करके जल्दी से ग्रे कर दीजिए, घंटी दिखेगी घंटी को दबा दीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते जाए। कंपनी वाइज वीडियोस में डालने वाला हूँ, टॉपिक वाइज वीडियोस में डालने वाला हूँ, जॉब नोटिफिकेशन हम डालते हैं, लाइव स्ट्रीम्स हम कंडक्ट करते हैं, इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराते हैं, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, कंप्लीट प्लेसमेंट प्रिपरेशन आपकी हो जाने वाली है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। विप्रो में 2020 में पूछा गया था भाई, बहुत पॉपुलर है ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। आपको एक एक्स की वैल्यू दे रखी है, वाई की वैल्यू दे रखी है, जेड की वैल्यू। अच्छा आप लोगों ने मेरे से पूछा नहीं सर सर्ट एंड इंडाइसेस का मतलब क्या होता है। देखिए सर्ट का मतलब कुछ नहीं होता, अंडर रूट को सर्ट बोल देते हैं, इंडाइस मतलब जो एक्सपोनेंट होता है, जो पावर चढ़ाई जाती है उसको हम इंडाइस बोलते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन में आपको अंडर रूट या पावर देखने को मिले तो उसको आप सर्ट एंड इंडाइसेस की कैटेगरी में रख सकते हैं भाई। अब यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी है, आपसे पूछा गया भाई कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा बीच में आएगा, कौन सा सबसे छोटा आएगा। भाई देखिए मैं आपको ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, राइट। आप बस देखते जाइए, फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये मैंने ऐसा क्यों किया, है ना। अब देखिए भाई एक्स की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है अंडर रूट ऑफ 2, यानी एक्स को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/2। एक काम करता हूँ इसका स्क्वायर कर देता हूँ, है ना। स्क्वायर किया तो यहाँ पर भी पावर 2, यानी ये आ गया 2 मेरा, है ना। एक्स अगर अंडर रूट 2 है तो एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर, यानी 2 हो जाएगा। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर, एक काम करता हूँ एक्स स्क्वायर पर पावर 3 चढ़ा देता हूँ, तो यहाँ पर भी पावर 3, यानी दोनों साइड मैंने पावर 3 चढ़ा दी। सर ऐसा क्यों किया अभी सब बताऊंगा मैं आपको। ये हो गया एक्स की पावर 6 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8 हो गया, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 8 की पावर 1/6 निकल करके आ गई। क्लियर है, एक्स की पावर एक्स इज इक्वल्स टू 8 की पावर 1/6 निकल के आ गई। वाई क्या दे रखा है सर, थर्ड रूट ऑफ 3, यानी इसको मैं 3 की पावर 1/3 लिख सकता हूँ कि सर बिल्कुल लिख सकते हैं। एक काम करते हैं क्यूब कर देते हैं दोनों साइड, तो 3 की पावर 1/3 का क्यूब, तो ये 3 से 3 कट गया, यानी y क्यूब जो है मेरा 3 निकल करके आ गया। अब एक काम करते हैं इस बार स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, तो ये y क्यूब का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 2 कितना हो गया, y की पावर 6 हो गया इज इक्वल टू 9, y हो गया 9 की पावर 1/6। अब आप समझ गए होंगे कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। और z की वैल्यू जो है वो क्या दे रखी है सर, 6 की पावर 1/6, है ना, 6th रूट दे रखा है ना। अब अगर आप ध्यान से देखो x, y, z में एक्सपोनेंट सेम है, जब एक्सपोनेंट सेम है तो बेस क्वांटिटी को मैं भाई जज कर सकता हूँ, यानी ये 8 की पावर सेम है, ये y की पावर सेम है, z की पावर सेम है, क्लियर कट दिख रहा है, y मेरा सबसे बड़ा है, उसके बाद मेरा x है और सबसे छोटा मेरा z होने वाला है। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या भाई, अगर आप ऑप्शन बी को देखोगे तो y सबसे बड़ा है, उसके बाद x, उसके बाद z, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो अगर आपने ध्यान से देखा हो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि यहाँ पर पावर 2 है, क्योंकि अगर कुछ नहीं लिखा होता तो पावर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, तो भाई सबसे बड़ी यही है ना, 6, 1 पावर 1/6 सबसे बड़ी दिखने में, लेकिन एक्चुअली है सबसे छोटी, तो 6 दिख रहा है ना। मैं एक काम करता हूँ तीनों का रेफरेंस सेम बना देता हूँ, तो इन तीनों में जो सर्ट सबसे बड़ा दिखे, जिसकी पावर सबसे बड़ी दिखे, मतलब अंडर रूट के ऊपर सबसे बड़ा नंबर दिखे, उसमें कन्वर्ट कर लो। तो मैंने z को कुछ नहीं छेड़ा, y और x को 1/6 बनाने की कोशिश करी, तो इसको 1/6 बनाने के लिए यहाँ पावर 6 चाहिए थी, इसलिए मैंने पहले स्क्वायर किया फिर क्यूब किया। डायरेक्ट पावर 6 भी कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं थी भाई, अगर मैं डायरेक्ट पावर 6 करता तो यहाँ पर 6 हो जाता, तो ये 2 की पावर 3 8 आ जाता यहाँ पर, है ना। अब इधर पे y था, डायरेक्ट पावर 6 रखता तो 6/3 2 आ जाता, है ना, 3 का स्क्वायर नहीं, डायरेक्ट भी कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं, और इजी पड़ जाता है इनफैक्ट, है ना, तो डायरेक्ट कर सकते हो तो और बढ़िया बात है, क्लियर है। तो ये आपका फिलहाल आंसर निकल गया है ना। एक बार डायरेक्ट मेथड भी बता देता हूँ भाई, देखो x क्या दे रखा है, अंडर रूट ऑफ 2 दे रखा है, यानी x क्या दे रखा है सर, 2 की पावर 1/2 दे रखा है। मैं एक काम करता हूँ पावर 6 चढ़ा देता हूँ, क्योंकि तभी तो 1/6 कर पाऊंगा, यानी 2 की पावर 1/2 की पावर 6, तो ये 6 और 2 कट के 3 हो जाएगा, यानी x की पावर 6 इज नथिंग बट 2 की पावर 3, यानी x की पावर 6 इज नथिंग बट 8, तो x आ गया 8 की पावर 1/6,
देखो वही निकल करके आ गया। सिमिलरली y के लिए मैं क्या करूंगा भाई, y इज इक्वल टू 3 की पावर 1 बाई 3 है, एक काम करता हूँ y की पावर 6 कर देता हूँ, तो 3 की पावर 1 बाई 3 की पावर 6, तो 6 बाई 3 कितना हो गया 2 हो गया, तो हो गया 3 की पावर 2, यानी y की पावर 6 इज इक्वल टू 9 आ गया, y इज 9 की पावर 1 बाई 6, देखो 9 की पावर 1 बाई 6 और z को डायरेक्टली दे रखा है, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, दोनों अप्रोच अपने आप में सही होने वाली है। करेक्ट आंसर ऑप्शन भी आ गया, पूरा प्रिंटेड सॉल्यूशन भी आपके लिए प्रोवाइड कर दिया, चाहे तो एक बार उसको देख सकते हैं, बाकी मैंने समझा तो बहुत अच्छी तरीके से दिया ही है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं भाई। विप्रो में 2020 और 21 में पूछा गया था, सेशन को लाइक नहीं किया तो बेटा कर देना। देखिए भाई अब यहाँ पर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन करा रहा हूँ, बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए विप्रो में भी दो बार रिपीट कर दिया। 5 की पावर x है, 25 की पावर x प्लस 6 है, 125 की पावर 2x प्लस 9 है, आपको x को ढूंढना है। सर मैं अपनी लाइफ से x को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, बार बार x को ले आते हो भाई। देखिए आपकी जो लाइफ है, आपकी जो गर्लफ्रेंड वाली x है ना, वो आपका करियर बर्बाद कर सकती है, लेकिन ये x आपका करियर बना सकता है, तो भाई इसको वेटेज देना जरूरी है। देखिए भाई जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, आपको पावर की वैल्यू निकालनी है भाई, x जो है वो पावर पे चढ़ा है, उसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं बेस को सेम बनाने की कोशिश करूंगा भाई। तो मैं 25 को भी 5 की पावर में तोड़ दूंगा, 125 को भी 5 की पावर में तोड़ दूंगा। मतलब क्या सर, 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर है ना, और सर 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 का क्यूब। सबको 5 में तोड़ दिया ताकि मैं यू नो पावर्स को कंपेयर कर सकूं, अगर बेस मेरा सेम है। अब देखो यहाँ पर 5 की पावर x से मल्टीप्लाइड बाय 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ है ना, और इस पर क्या पावर थी भाई, x प्लस 6। ये 25 पे पावर x प्लस 6 है, इज इक्वल टू, इसको मैं 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ, और यहाँ पर क्या है सर 2x प्लस 9 पावर जो है चढ़ी हुई है, तो ये हो गया 5 की पावर x मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, तो 2x प्लस 12 हो जाएगा, 2 x और 2 6 12 हो गया, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 की पावर 3 2 6 x प्लस 27 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखो, आपने बहुत पॉपुलर प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, a की पावर m में अगर मैं a की पावर n का मल्टीप्लाई कर दूं तो a की पावर m प्लस n हो जाता है, तो ये 5 की पावर m हो गया, 5 की पावर n हो गया, यानी 5 कॉमन लेकर के मैं पावर्स को ऐड कर सकता हूँ, यानी x प्लस 2x प्लस 12 कर सकता हूँ इज इक्वल्स टू 5 की पावर 6x प्लस 27, यानी ये क्या हो गया सर 5 की पावर x प्लस 2x इज 3x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 5 की पावर 6x प्लस 27 हो गया भाई। कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल भी अलाउड नहीं है यहाँ पर। अब देखो सर बेस सेम है तो पावर को कंपेयर कर सकता हूँ, मतलब क्या सर मैं लिख सकता हूँ 3x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 6x प्लस 27, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ भाई। एक काम करता हूँ भाई, x x को एक साइड ले आओ, नंबर नंबर को एक साइड ले आओ, तो ये हो गया माइनस 27 प्लस 12 इज इक्वल टू 6x माइनस 3x, ये आपका हो गया 3x, और यहाँ से आपका कितना बचा माइनस 15 बचा, x की वैल्यू आ गई आपकी माइनस 15 बाय 3, दैट इज माइनस 5 निकल करके आने वाली है। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है कि यस भाई बिल्कुल आपका ऑप्शन करेक्ट है। कुछ बच्चे लोग क्या करते हैं भाई, यहाँ पर ऑप्शंस पुट करके भी देख लेते हैं, वो भी अपने आप में ठीक ठीक मेथड है, बट इससे थोड़ा जल्दी आंसर आ जाता है, इसलिए मैंने आपको ये वाला मेथड करा दिया भाई। चाहे तो वैसे तो रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, आपके सर बढ़िया पढ़ाते हैं, फिर भी अगर आपको समझने में कुछ भी दिक्कत आ रही हो तो एक बार ये सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये भाई विप्रो में पूछा गया था 2019 में भाई। अब यहाँ पर आपको ना पहली बात तो क्वेश्चन को देख करके घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। दूसरी बात बॉड मास का रूल आपको पता होना चाहिए भाई। देखो धीरे धीरे एक एक स्टेप को ब्रेक डाउन करो। देखो बॉड मास के रूल के हिसाब से सबसे पहले क्या बोलते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करो, एटलीस्ट उतना तो करते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है। अभी 125 की पावर 1 बाय 3 आ गई भाई। अब 125 को आप क्या लिख सकते हो, 5 का क्यूब लिख सकते हो, 5 into 5 25 into 5 125 की पावर 1 by 3, तो ये 3 से 3 कट गया, तो ये पूरा रिड्यूस होके क्या बचा, 5 बचा भाई। मुबारक हो, पहला ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया। अब आपको एक बात पता होगी, अगर a पे पावर माइनस n को चढ़ी है तो क्या मैं इसको 1 by a पे पावर n लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो भाई, ये रूल याद रखना। यानी अगर मेरे को पावर को पॉजिटिव बनाना है तो नंबर को रेसिप्रोकेट कर दो भाई। अब इधर देखो भाई, 4 पे पावर नेगेटिव है, मुझे पॉजिटिव पावर चढ़ानी है, मैं नंबर को रेसिप्रोकेट कर दूंगा पावर 1 बाय 2, और पावर 1 बाय 2 का मतलब क्या होता है सर, अंडर रूट कर दो, और अंडर रूट ऑफ 1 बाय 2 क्या होता है भाई, 1 बाय 4, 4 का रूट क्या होता है 2 होता है, तो ये आ गया 1 बाय 2, यानी अल्टीमेटली ये क्या निकल के आ गया, 1 बाय 2 निकल के आ गया है ना। अब इधर देखो, 4 इंटू 216, 216 क्या दे रखा है सर,
216 इज नथिंग बट 6 का क्यूब, 6 6 36, 36 into 6, 216 की पावर 1 by 3, देखो ये भी कट गया, तो 4 into 6 बचा ये, यानी ये ultimately बचा 24, अब 24 में क्या मल्टीप्लाई कर दिया, 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 मतलब क्या 1 हो गया, यानी 1 मल्टीप्लाई कर दिया, यानी अल्टीमेटली ये पूरा क्या निकल के मिला मेरे को 24 मिला। अब इधर देखो भाई 4 का स्क्वायर हो गया 64 और 8 इंटू 8 होता है आपका 4 का स्क्वायर आ गया 16 और 8 इंटू 8 होता है 64, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 8 इंटू 8, यानी ये अल्टीमेटली मेरा 16 बाय 8 बचा, यानी अल्टीमेटली ये मेरा 2 बचा भाई, तो ये क्या निकल के आया 2 निकल के आया। अब ध्यान से देखो भाई क्या दिया है, 5 का मल्टीप्लाई कर दो भाई 1 बाय 2 से, फिर प्लस साइन लगा दो, फिर क्या कर दो आप लिख दो 24, फिर क्या कर दो डिवाइडेड बाय 2 लगा दो। अब बॉड मास का रूल क्या बोलता है, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सबसे पहले बोला है डिवाइड करना है, डिवाइड कर दो भाई, 24 को 2 से डिवाइड किया तो बचा 12, डिवाइड हो गया सर, उसके बाद मल्टीप्लाई, तो 5 का मल्टीप्लाई 1 बाय 2 से तो 5 बाय 2 बचा, उसके बाद बोला है एडिशन करना है आपको, तो बस 5 बाय 2 प्लस 12 कितना हो जाएगा, ये हो गया 5 बाय 2 प्लस इसको 24 बाय 2 लिख सकते हैं, 12 को 24 का आधा कर सकते हैं भाई, डिनोमिनेटर सेम हो गया, ये बन गया मेरा 29 बाय 2, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या बात है, मजा आ गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, डर के आगे जीत है, जो डर गया था उसने ये क्वेश्चन छोड़ दिया था भाई, जिसने हिम्मत करी वो सही आंसर मार करके आ गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, चाहे तो आप सॉल्यूशन एक बार पढ़ सकते हैं भाई। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विप्रो में 2019 में पूछा था भाई, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, विद्यार्थी कर्तव्य है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए भाई। देखो छोटा सा मैं हिंट देता हूं, कई बच्चे क्या करते हैं एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि 5 की ऐसी क्या मैं पावर चढ़ाऊं कि 1250 बच्चे भाई, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। यहां देखो देखो इसको देखो, आपने पढ़ा होगा a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m माइनस n होता है, तो ये भी कुछ m माइनस n दे रखा है, m मतलब यहाँ पर x हो गया, n मतलब यहाँ पर 2 हो गया, x माइनस 2 या m माइनस n, तो a की पावर m, a की पावर m, a क्या हो गया यहाँ पर 5 हो गया है ना, तो a की पावर m यानी 5 की पावर m का मतलब क्या हो गया x हो गया डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 हो गया, 5 की पावर x की डायरेक्टली वैल्यू दे रखी है, पुट करो ना भाई डिवाइडेड बाय 25, बस डिवाइड कर लेना, जो भी आंसर आ रहा होगा उसको मार्क कर देना, आपको 5 की पावर x माइनस 2 की वैल्यू निकालनी थी, आपको 5 x की वैल्यू पूछी नहीं गई थी, x की वैल्यू पूछी गई होती तो हम ये टिकड़ा अप्लाई करते, लेकिन 5 की पावर x माइनस 2 पूछा गया था डायरेक्टली निकाल सकते, तो छोटी छोटी ट्रिक्स जो है बहुत काम आती है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि बहुत सारी मैं आपको ऐसी ट्रिक्स पढ़ाता रहूंगा समय समय पर, तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे अगर आपने बेल आइकन दबाया है, लाइक करें दोस्तों में, शेयर करें और कमेंट करके ये जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी, आगे किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो भी जरूर बताइए, थैंक यू सो मच।